जी हाँ, आज हमारा पार्सल आया है अमेजोन से। देखिए, मोस्टू मैग्नेट रिस्ट बैंड। जी हाँ, चलिए इसकी जल्द से जल्द ना अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं इसमें से क्या निकलता है। चलिए, बड़ा मज़ा आता है अनबॉक्सिंग करने में, और भी लोगों को बड़ा मज़ा आता है। चलिए देखते हैं क्या निकलता है। टिक टिक वन, टिक टिक टू, वाह। चलिए, हाँ, ब्लैक बॉक्स। और इसके अंदर क्या है? कुछ नहीं। चलिए, यस। ओह वाह, यही मैंने सोचा था कि कलर ब्लैक आए, तो ये ब्लैक ही कलर आया है। नाइस, वेरी नाइस। चलिए क्या है, देखते हैं। देखिए यहाँ पे तो क्या लिखा है। जी हाँ, मैग्नेट वर्सेस इलास्टिक बेल्ट। यहाँ पे भी यही है। चलिए, और ये भी वो इधर सारा। चलिए, जैसे जैसे इन्होंने कहा है वैसे वैसा होता है क्या? चलिए टेस्ट करते हैं। बेल्ट है, हाँ, यहाँ कुछ दिख तो रहा है। हाँ जी हाँ, फील जो हो रहा है वो मैग्नेटी फील हो रहा है। राउंड शेप में, जैसे वाइश इसका वाइशर कैसा होता है, इतने इससे बड़े बड़े फील्ड हो रहे हैं अंदर। चलिए देखते हैं। चलिए, ये लग गया, देखते हैं। ओ यस, नाइस। हाँ, यस। चलिए देखते हैं इससे थोड़ा वजन वाला। हाँ यस, हो जाएगा। एल पट्टी सही, बीट सही ढंग से। हाँ जी, बिल्कुल है, पावर है। चलिए और देखते हैं, और कैसे करेंगे। हाँ है, बिल्कुल। देखिए, ये स्टील का बोल्ट है, नट बोल्ट है, नहीं चिपकेगा ये। चलिए, और स्क्रू, हाँ चिपक रहे हैं। और इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहाँ ये हिस्सा नहीं दिख रहा है हमें। हाँ जी, बांध लिया। अभी देखते हैं ये सही ढंग से। हाँ, टिकी है। चलिए ये देखते हैं, ये चूड़ी बनाने की डाई का ऊपर का टी पॉइंट है। हाँ, हो रहा है। क्या गिरा? चलो बीट गिरा। चलो इन्हें हटाते हैं, ये देखते हैं। नहीं, ऑफ कोर्स ये नहीं होगा, इतना वेट नहीं ले पाएगा। या तो हम देखेंगे कि छोटे छोटे वेट में पास हो गया है। ये हमें ज़रूरत इसलिए पड़ी थी, हमारी एक वीडियो आप देखेंगे फुल हाउस वायरिंग का, तो उसमें सीढ़ी पे था मैं, तो उसमें बहुत ऊपर नीचे करना पड़ा। एक एक स्क्रू के लिए मुझे नीचे आना पड़ा, उसके बाद मुझे ऊपर चढ़ना पड़ा, तो इसमें बहुत ज़्यादा बहुत टाइम वेस्ट हुआ, मेहनत बहुत लगी। कोई हेल्पर नहीं था मेरे साथ में, तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई उस चीज़ के लिए। तो ये चीज़ मैंने ऑनलाइन देखी और मुझे लगा कि ये चीज़ मंगानी चाहिए, तो इससे टाइम बचेगा और मेहनत भी बचेगी, दोनों। मेहनत के लिए घबराते नहीं हैं, लेकिन क्या होता है, नेसेसरीज क्यों हमें ऊपर नीचे करना है? एक ही साथ में हमने अपने हैंड में अगर ये स्क्रू हमने चिपका लिए, और जैसे जैसे हमें यूज़ में आते रहेंगे वैसे वैसे हम यूज़ करते रहेंगे। तो वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कभी आपको इस बेल्ट की ऐसी ज़रूरत पड़े तो ज़रूर, ये हमने अमेजोन से मंगाई है, तो काफ़ी अच्छे रेट में मिली है, चीप रेट में मिली है, थैंक यू वेरी मच। चलिए आगे ऐसे ही वीडियो हमारे देखते रहिए, काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियो आते हैं, हर टॉपिक के ऊपर वीडियो है। थैंक यू वेरी मच।